मुझे बहुत गर्व है कि हमारी भारत की जैन समाज मिथ्यात की तरफ जाती थी। कोई भी थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो वहाँ झाड़ा लगाओ, वहाँ फाड़ा लगाओ, वो गंडा बांधो, वो ताबीज बांधो, ये बहुत समाज में चलता था। और दूसरे लोग हमारे धर्म की मजाक उड़ाते थे। देखो, जैन धर्म में अतिशय होता तो ये चबूतरे पे अगरबत्ती क्यों लगाता, ये यहाँ चादर चढ़ाने क्यों आता, ये यहाँ ये कार्य करने क्यों आता। जैनी सब भाग रहे थे क्योंकि पंडितों ने धारणा बना दी थी जैन धर्म वीतरागी धर्म है, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला और मांगने वाला मिथ्या दृष्टि है। जो भगवान के सामने, गुरुओं के सामने अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान मांगे, घर गृहस्थी की बातें मांगे, संसार के लिए मांगे, तो वो मिथ्या दृष्टि और है क्योंकि भगवान देते नहीं। इस हवा ने, इन उपदेशों ने जैन समाज को मिथ्या दृष्टि बना दिया, क्योंकि जैनी गृहस्थ जो है धर्म छोड़ सकता है, विपत्तियों को सामना नहीं कर सकता। एक और धर्म छोड़ने की बात आ जाए और एक और प्राणों की पड़ी हो तो गृहस्थ है वो धर्म छोड़कर प्राण बचाएगा। उसने सोचा हमारी समस्याएं मंदिर में समाव छुलने वाली नहीं, भगवान से सुलटने वाली नहीं, तो लोग भागे यहाँ वहाँ जहाँ जिसको जो मिलता था। लोग कहते तुम्हारे भगवान तो कुछ नहीं देते, यहाँ आओ हमारे भगवान तो सब कुछ देते, लोग भाग गए। और जैन धर्म की मजाक उड़ाई। तथाकथित अध्यात्मवादियों ने जैन धर्म को धूल में मिला दिया था, जैन धर्म का निर्मूलन कर दिया था, जैन धर्म की सब क्रियाओं को और दूसरों के सामने मजाक बना दिया था। जैन धर्म में कुछ नहीं देते, ना उनके भगवान देते हैं ना गुरुदेव, कुछ नहीं मिलता वहां पर। तब मैंने सोचा कि ये तो मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है। तब मैंने फिर तुम्हारे श्रावक की क्रियाओं पर मैंने कम से कम 2-3 साल रेगुलर लगाए। जब 2-3 साल खोजने के बाद जब मिला कि जैन दर्शन कुछ देता नहीं है लेकिन जैन दर्शन से सब कुछ मिलता है, देता तो नहीं है लेकिन मिलता है, फिर लोगों को आवाज लगाई मैंने कि आओ तुम्हें क्या चाहिए सब मिलेगा, मांगना मत, मांगना मत, मिलेगा सब। क्योंकि ऐसा जैनाचार्यों ने एक भी आचार्य ने नहीं कहा जिसने किसी भी क्रिया में अभ्युदय सुख की चर्चा ना की हो। निश्चय सुख और अभ्युदय, समंत भद्र महाराज जैसे दार्शनिक व्यक्ति सम्यक दर्शन से दिला दिया, 4 गाथाएं लिख दी उन्होंने निश्चय सुख की, और बाद में कहा निश्चय सुख नहीं मिल रहा है तो ये संसार का सुख तो मिलेगा ही। चक्रवर्ती बनाया ओ जस ते जो विद्या विजय विभव सुना था आदि कहकर के उन्होंने अभ्युदय, तो जैन दर्शन में अभ्युदय सुख की भी चर्चा है। जिन्हें भगवान की भक्ति से संसार भी मिलता है, संसार भी संभलता है। जब ये आवाजें लगाई हमने तो मुझे आज गर्व है कि आज जैनियों के घर में कुछ भी होता है तो यहां वहां की चर्चा नहीं होती, एक ही आवाज होती है चलो मंदिर में शांति धारा करते। जो ये कहते थे ये परेशानी हो रहा, चलो वहां भभूत लगाएं, वहां झाड़ा लगाएं, वहां अगरबत्ती लगाएं, आज पूरे भारत में आज जैनियों के घरों में शांति धारा के प्रति इतनी श्रद्धा बन गई है बहुत सब। और कोई मिथ्यात नहीं है, ग्रस्त है अपनी आवश्यकताओं को चीजें, हाँ पाप के लिए तो नहीं मांगेगा, अनैतिक तो नहीं मांगेगा, लेकिन बेटा पढ़ रहा है पास होने की भावना नहीं करेगा क्या जैनी? छायक सम्यक दर्शी चक्रवर्ती ने किया, छायक सम्यक दर्शी चक्रवर्ती भगवान के सामने पहुंचा, भगवान हमारे पुत्र घूंगे क्यों हैं, ये कभी बोलेंगे कि नहीं, इनका उपाय बताओ। छायक सम्यक दृष्टि का अपने बच्चों की कुशल क्षेम मांग रहा है, तद्भव मोक्षगामी मांग रहा है, अवध ज्ञानी मांग रहा है, तीर्थंकर का बेटा मांग रहा है। कितने गुण है, तीर्थंकर का बेटा, अवध ज्ञानी, तद्भव मोक्षगामी, अपने बच्चों की कुशल क्षेम की याचना कर रहा है। और अपनी कुशल क्षेम जनता की चाहने के लिए विजयार पर्वत की गुफा में अभिषेक करने गया,
कर्मों के क्षय के लिए नहीं, संकट दूर करने के लिए, अभिषेक करने के लिए गया। और ऋषभ देव ने भेजा, ऋषभ देव से जब समूषण में कहा कि हे भगवान हमारी प्रजा का ये संकट कैसे दूर होगा, तो उन्होंने कहा जाओ अकृत्रिम चैत्यालयों में तीर्थ क्षेत्रों का अभिषेक करके गंधोदक दो। तो चक्रवर्ती ने कहा कि भगवान आपके द्वारा जो दूर नहीं हो सकते अभिषेक से क्या होगा। बोले प्रश्न मत करो, जिस रोग की जो दवाई है वो लेना पड़ेगी। चक्रवर्ती तीर्थंकर के रहते हुए समूषण छोड़ करके अभिषेक करने गया, और कर्मों की निद्रा के लिए नहीं, संकट दूर करने के लिए। छायक सम्मी दृष्टि, सैकड़ों पदे पदे विद्वान है, जब जब संकट आया, श्लोचना सम्यक दृष्टि थी। जब पति जय कुमार का युद्ध हुआ अर्क कीर्ति से, अपने पति की कुशल क्षेम के लिए, अपनी पति के लिए युद्ध में जीतने के लिए श्लोचना 8 दिन तक मंदिर में जाकर बैठ करके भक्ति की त्याग कर दिया, भगवान का अखंड पाठ किया, जब तक मेरे पति की विजय नहीं होगी भगवान मैं तुम्हारे चरणों में ही बैठूंगी। सम्यक दृष्टि, आरिका बन के 11 अंग का ज्ञान हुआ है, और वो अपने पति की कुशल क्षेम कर रही है। सीता ने कुशल क्षेम की, कुंद कुंद स्वामी खुद कहते दुख को कमख को सब। रामचंद्र जी लक्ष्मण की कुशल क्षेम के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, तो ऐसा कोई बाधा नहीं है। हाँ, अनैतिक नहीं करना, पाप के लिए नहीं करना, चोरी डकैती जुआ में सफल होने के नहीं करना, लेकिन गृहस्थी के जो कार्य हैं ये याचना तो ग्रस्त करेगा, भावना भी करेगा, सब करेगा। कुशल कला यदि ऐसा भाव भी करता है भगवान शांति प्रदान करो, तो भक्ति में आया, ये भक्ति की भाषा है। सभी आचार्यों ने यही कहा, हे भगवान प्रसन्न हो, हे भगवान प्रसाद दो, हे भगवान कर्मों का क्षय करो, करो दुख खो। तो ये सब बातें हैं, भक्ति की भाषा भक्ति की भाषा ही होगी। अब तुम भक्ति में समय सार की भाषा बोलोगे तो मिथ्यात है, समय सार में भक्ति की भाषा बोलोगे तो मिथ्यात है। समय सार की भाषा समय सार के रूप में ठीक है, इसलिए कोई बाधा नहीं। और मुझे तो बहुत खुशी है कि आज लाखों लाखों लोग हमारे जिनेन्द्र भगवान के गंधोदक की महिमा समझने लगे। और ऐसे ही नहीं, लाभ हो रहा है, बनिया है, ऐसे कहने से नहीं मानता, सैंपल भरे हैं उन्होंने, और है। और मेरा तो दावा है, जो यहां है वो कहीं नहीं है, और जो यहां नहीं है वो भी कहीं नहीं। और सबको पता चल रहा है ये।